बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अम्मा एंड बिटिया शो, और आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। और आपको पता है ये सबकी फेवरेट रेसिपीज़ होती है, और ये रेसिपी जो है हमें अम्मा बताएंगी। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अम्मा प्लीज़ आप इंग्रेडिएंट्स बताना स्टार्ट करें। ये 1.5 किलो दही है। अच्छा, इसमें 4 किलो वो डाला है पानी। सही है। और 1.5 कप बेसन। अच्छा, पहले लस्सी बनाई है इसकी और फिर बेसन। हाँ जी। अच्छा, तो इसे वो कर लिया, इसको ठीक है मिक्स कर लिया, लस्सी बना के उसमें बेसन डाल दिया। कितना था कितना दोबारा बताएं? 1.5 किलो आपने दही, दही 1.5 कप बेसन, 1.5 किलो पानी। ठीक, तो उसको सबको लस्सी बना के मिक्स कर लिया। ये देखें जी, इसमें ये लस्सी है और इसमें बेसन ऑलरेडी मिक्स हुआ हुआ है। तो चूंकि लस्सी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है और बेसन कम होता है, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है रेड बाउल में वो ये पकौड़ों के लिए बेसन है। अच्छा, ये कितना है? 2 कप लिया मैंने। ठीक है, इसमें 2 बड़े आलू। अच्छा, बारीक काट के। बारीक काट के 1 बड़ा प्याज। ठीक, तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। धनिया थोड़ा सा लिया हमने, थोड़ा सा पुदीना लिया है। हाँ। 7 से 8 दरमियानी हरी मिर्चें ली हैं। हाँ। और प्याज जो है ये कश कर लिया, ये मैंने वो जो कद्दूकश होता है उससे कश किया है, ताकि मसाला अच्छा बने। ये किसी चीज में के लिए भी आप डाल सकते हैं, हर सब्जी में, हर सब्जी में आसानी से इसका। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरफ से काट के इसको कश करते हैं। ठीक, ये 2 बड़े टमाटर हैं, इनको भी कश किया आपने? इनको भी मैंने कश कर लिया है। सही, इसका छिलका लैदा हो जाता है और गुदा निकल आता है, वरना छिलका बीच में आता है। और ये नमक मिर्चें? ये नमक मिर्च है, 2 चम्मच लाल मिर्चें हैं, 1 चम्मच हल्दी, नहीं बड़े चम्मच। अच्छा, टेबलस्पून। हाँ जी, टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून नमक है। सही है। और ये इसी तरह ये 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टेबलस्पून अदरक है। अच्छा, इनकी पेस्ट बना ली है। पेस्ट बना दी है। और ये 1 कप। अच्छा जी, ये 1 कप कॉर्न ऑयल है। ये कड़ी में जो हम कॉर्न ऑयल डालेंगे, हम ज़्यादातर घर में भी जो है ना वो कॉर्न ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। और ये जो पकौड़े और प्याज इस तरफ आप देख रहे हैं, ये प्याज और आलू ये जो है ये पकौड़ों के लिए, और बाकी चीज़ें जो हैं ये कड़ी के लिए। तो जब हम पकौड़े बनाएंगे आपको रिपीट कर देंगे दोबारा से। अच्छा जी, कड़ी के लिए सबसे पहले हम 1 कप कॉर्न ऑयल लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। हम वैसे हर खाना जो है वो कॉर्न ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। अब इसमें हम पहले प्याज डालेंगे। अच्छा जी, ये 2 बड़े प्याज डालेंगे इसमें, जो कि हमने ऑलरेडी कश कर लिए हैं। इसको हल्का लाइट ब्राउन कर लेना है। अच्छा ठीक है, लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। हाँ। अच्छा जी, ये हमारा जो है प्याज जो है वो अभी हो रहा है लाइट ब्राउन, ये देखें। और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा कोई कॉस्टली इधर क्या कहते हैं क्रॉकरी या कुछ भी ऐसा ना दिखाएं कि हमारे जो लोग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस वजह से चैनल स्टार्ट ना कर सकें कि उनके पास अच्छी क्रॉकरी नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि अम्मा एंड बिटिया शो को हम जितना नेचुरल आपके लिए बना सकें, जितना अफोर्डेबल बना सकें, हमारी कोशिश होगी कि हम बनाएं। अच्छा, जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहा है, अम्मा कह रही हैं कि वो उतनी देर में पकौड़ों का मिक्सचर आपको बना के दिखा देंगी। तो ये हमारे पास 2 कप बेसन है, उसके अंदर क्या जाएगा अम्मा बता दें? इसमें ये सूखा धनिया, जीरा पिसा हुआ है पाउडर, कितना? 1 चम्मच। अच्छा, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून। ठीक, 1 टेबलस्पून रेड मिर्चें। अच्छा जी, पिसी हुई। 1 टेबलस्पून नमक। हाँ जी। और 1 टेबलस्पून मेथी। ठीक, 1 में वो दादर मिर्चें। अच्छा जी, ये सारा इसमें डाल जाएगा। ठीक है अम्मा, ये इसको चेक करें अम्मा कि अभी लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा। आप डाल दें, मैं मिक्स कर देती हूँ, फिर आप पकौड़ों का मिक्सर बना लें। अच्छा, ये गोल्डन कलर का कर लेना है इस तरह। हाँ, ये आप चेक करें, इसका कलर जो है वो डार्क नहीं है, लाइट गोल्डन कलर है। इस लेवल पे आके आप चाहें तो आंच को जो है थोड़ा हल्का कर सकते हैं। अच्छा, जब तक जो है वो
पकौड़ों की मिक्सर को हम कंटिन्यू करते हैं। आधी इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, चार के करीब कटी हुई हरी मिर्चें इसमें चली गई, सब्ज़ मिर्चें, ये पुदीना है, ये एक टेबल स्पून समझ लें पुदीने के पत्ते हैं, इनको तोड़ लें काट लें जैसे भी आप डालना चाहें। हाँ जी, काट के भी डाल सकते हैं और तोड़ के भी। अच्छा जी, ये इस तरह से हो गया है और अम्मा कह रही हैं कि अब इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर जो है वो हमने कश किया हुआ है, दो बड़े टमाटर हैं। इसका ये फायदा होता है कि इसका छिलका लैदा हो जाता है कश करने से। सही, छिलके का कहते हैं कि सही नहीं होता है, किडनीज के लिए ठीक नहीं होता है, तो हम लोग जो है टमाटर का छिलका अलग करके हमेशा डालते हैं। उसके काफ़ी तरीके हैं अलग करने के, आज हमने कश किया है और किसी दिन किस तरह से करेंगे वो आपको बता देंगे। अब ये सारे मसाले भी जाएंगे इसमें, ये जो आपको 1 टेबल स्पून इसमें हरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 2 टेबल स्पून रेड मिर्चें, 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मिर्चें, अच्छा मैं मुझे लगा 1 मिर्च। चलें जी, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और भुनाई कर लेंगे इसकी। ये देखें इसमें मसाले चले गए सब और ये हम अब इसको भून रहे हैं। कढ़ी जो है वो मेरे बेटे, छोटे बेटे की तो बहुत फेवरेट है और नानो बनाती हैं तो फिर वो बहुत ही शौक से खाता है। ये इसमें धुलावा सब्ज धनिया चला गया जो कि मैं धोना भूल गई थी। मामा? जी जी वो। जी अब क्या जाएगा इसके अंदर? 2 बड़े आलू। ठीक है, 2 बड़े आलू बारीक काट लिए हैं। ये देखें मैं साथ साथ जो है वो इसको चला रही हूँ और अम्मा जो है वो पकौड़ों का मिक्सर बना रही है। ये एक बड़ा प्याज जो है ये हमने बारीक काट लिया था। अम्मा सब्ज मिर्चें इसमें भी जाएंगी? हाँ, ये आधी इसमें जो 8 सब्ज मिर्चें हमने जो थी वो छोटी बारीक काट ली थी, वो आधी जो है वो कढ़ी के मसाले में चली गई हैं, आधी जो है वो पकौड़ों के मसाले में चली गई हैं। आधा टीस्पून इसमें मीठा सोडा जाएगा। अच्छा, पकौड़ों के अंदर जो है 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, वो इस तरह से अच्छे बनते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आप खस्ता बनाना चाहें तो दही डालें, अगर आप नरम बनाना चाहें तो मीठा सोडा डालें। सही, दही कितना डालेगा अगर डालना हो तो? 2 खाने वाले चम्मच। अच्छा, 2 खाने वाले, उससे क्रिस्पी बनेंगे। ठीक, ये साथ साथ जो है इधर कढ़ी का मसाला भी रेडी हो रहा है। मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ, ये चैनल हमारा जो बनाने का मकसद है वो है ही माँ और बेटी के खूबसूरत रिलेशन को हम सेलिब्रेट करेंगे और वो सब कुछ शेयर करेंगे जो दुनिया की माएँ और बेटियाँ आपस में शेयर करती हैं। आपको पता है ईस्ट कंट्रीज़ में जो है वो माँ बेटी का रिलेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की नस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत होता है, फ्रेंड्स होती हैं दोनों। तो मेरी अम्मा भी मेरी फ्रेंड हैं और हम दोनों मिल के जो है वो काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं। इनकी अम्मा की स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, अम्मा की कुकिंग भी बहुत अच्छी है और इनके पास टिप्स भी बहुत होती हैं। आप कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी सीखना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जी, ये कढ़ी का मसाला तैयार हो रहा है और ये पकौड़ों का मिक्सचर हम बना के रख लेंगे ताकि वो सॉफ्ट बने। मैं थोड़ा पानी का छटा लगाओ मसाले को भूनने के लिए। अच्छा, अब इसको भूनने के लिए पानी का छींटा लगाएंगे, इससे मसाला नरम हो जाता है। सही, और अच्छा बनता है। ठीक, देखिए मैंने प्याज कश किया था, ऐसे लग रहा है जैसे पिसा हुआ प्याज हो। सही, इतना टाइम भी आप बचा सकते हैं अपना और आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें इधर पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो बना लिया, अब इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि कढ़ी नहीं तैयार होती। कढ़ी तैयार होगी तो हम पकौड़े रख देंगे साथ ही बनने के लिए। अम्मा ये कितने मिनट में हम तकरीबन इसको भूनते हैं? 5 मिनट? 5 मिनट, क्योंकि प्याज तो ब्राउन हुआ होता है। अच्छा, बस मसाले भूनने हैं। अच्छा, मसाले डाल के 5 मिनट भून के थोड़ा सा पानी डाल के फिर हाँ। थोड़ा सा मिक्स करना है इसको ताकि ये सॉफ्ट ग्रेवी बन जाए। हाँ,
आप लोग हैरान होंगे कि अम्मा जो है वो ही हमेशा कढ़ी बनाती है, मैंने आज तक जो है वो कढ़ी नहीं बनाई, क्योंकि अम्मा ही बहुत अच्छी बनाती है, फिर मुझे अपनी नहीं अच्छी लगती। पूरी फैमिली में ये मशहूर है। हाँ जी, आपको आइडिया होगा कि कढ़ी जो है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस्ड डिश होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ जी, इसके इजी कुछ लोग तो बनाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन ये वाली जो है ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो मेरी अम्मा की अम्मा भी बनाती थी, और मेरी अम्मा बनाती हैं और फिर मेरी बहनें भी बनाती हैं, मैं बस मुझे अम्मा के हाथ की पसंद है इसलिए मैं नहीं बनाती ज़्यादातर। ये बेसन पकौड़ों के लिए अब तैयार है। जब कढ़ी पकने लग जाएगी मैं उसको डालती हूँ, उसका मसाला तैयार हो गया। जब कढ़ी पकने लग जाएगी तो एक साइड पे कढ़ी रख दूँगी, उस पर पकौड़े बनाऊँगी। ठीक ठीक, इस तरह से टाइम भी बच जाता है आपका और दोनों चीज़ें एट अ टाइम रेडी भी हो जाती हैं। अच्छा जी, अभी आप देखें कि ये ग्रेवी जो है ये सॉफ्ट हो गई है, मसाला बन गया है इसका, और अब इसमें अम्मा वो जो मिक्सर था 1.5 किलो दही, 1.5 कप बेसन और 4 लीटर पानी का वो इसमें डालेंगी। प्याज से करके आप डाल दें। नहीं जी, बेसन की मकदार जो है वो हमें आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि इसमें बेसन डला हुआ है कि नहीं, लेकिन ऑलरेडी इसमें लस्सी में बेसन मिक्स किया हुआ है। ये देखें जी, अब ये इस वक्त जो है ये काफ़ी लिक्विडी सी इसकी कंसिस्टेंसी आ रही है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी, कुक हो जाएगी, तो ये बहुत मज़े की और खूबसूरत सी इसकी लुक आएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है अम्मा ने इसमें वो डाल दिया था लस्सी का और बेसन का मिक्सचर, और ये अभी हमने इसको, ये देखें आप, तेज़ आँच पर इसको कुक कर रहे हैं। और अम्मा कितनी ही देर में ये बॉयल हो जाएगा? जब बॉयल आएगा फिर 1 घंटा हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, अभी हमने तेज आंच पे इसको रखा है, जब बॉयल आएगा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगी, और जब थिक होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और हम जो है वो पकती रहेगी, हम 1 घंटा इसको हल्की आंच पे पकाते रहेंगे, और दूसरे चूल्हे पे अम्मा जो है वो पकौड़े बना लेंगी। टाइम सेव हो जाएगा, कढ़ी और पकौड़े एक साथ रेडी हो जाएंगे। इसको ये आप देखें कि कढ़ी को तेज़ आंच पे रखे हुए तकरीबन 5 मिनट्स हो गए हैं, तो अब ये अपनी जो है वो चेंज कर रही है शक्ल, और इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं अब, और यही हल्के बबल्स जो हैं ये बॉयलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जब ये बॉयलिंग फॉर्म में आएगी तो फिर हम इसकी आंच हल्की करके इसे 1 घंटा जैसे पहले बताया इसको पकता रहने देंगे, और साथ जो है हम बाकी के काम कर लेंगे। मेरी कोशिश थी कि आपको मैं इसकी सारी स्टेजेस दिखा दूं। अच्छा, ये देखें जी, पहले जब कढ़ी बॉयलिंग फॉर्म में नहीं थी तो इसके ऊपर ऑयल था, और वो जो हम देख रहे थे कि ऑयल अलग से था और जो कढ़ी का मिक्सर था वो अलग हमें महसूस हो रहा था। अब ये देखें, इसकी फॉर्म जो है ये बॉयलिंग हो गई है और ऑयल जो है वो ऑलरेडी खुद ब खुद मिक्स हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है इसके अंदर, और इसकी फॉर्म जो है वो थिक, इसका कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें इसका बॉइलिंग फॉर्म में आने का फुल मूड हो रहा है। ये साइड्स पे बबल्स आ रहे हैं, ये चेक करें, 10 मिनट्स के अंदर जो है ना फुल आंच पे ये बॉइलिंग फॉर्म में आ जाती है। अच्छा अम्मा, जब बॉयल इस तरह से आने लगता है इसको तो हिलाना है, इसको स्टर करना है। हाँ जी। अच्छा, ताकि बाहर ना आए, बाहर ना आए और मिक्स हो जाए, थिक हो जाए। बस अब आंच हल्की करके इसको, इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई, थोड़ा ऊपर इसको करके, जी ये देखें, इसमें थोड़ी सी थिकनेस आना शुरू हो गई है, और जो रिमेनिंग थिकनेस है वो जब हम इसको 1 घंटे के लिए मीडियम से स्लो आंच पे, लो आंच पे हम इसको फ्लेम पे, लो फ्लेम पे कुक करेंगे, तो ये इसमें बबलिंग और ज़्यादा आएगी और ये बॉइलिंग फॉर्म से ये कुक फॉर्म में चली जाएगी। बॉयल इसलिए आपको दिखा नहीं सकते, डेफिनेटली इसको बॉयल आउट तो नहीं कर सकते, बस ये इसकी बॉइलिंग फॉर्म ऐसी होती है।
चूँकि हमारे बर्तन से ये थोड़ी फुल हो गई है, इस वजह से आप इससे ज़्यादा बड़ा बर्तन लीजिएगा तो आपका अच्छा ज़्यादा बॉयल आ जाएगा। ये साथ साथ हम स्टर करें कि बॉयल आउट ना हो जाए। बस अब इसको हम उधर रख देते हैं दरमियानी आँच में। अच्छा, ये पकती रहे उधर, फिर हम पकौड़े बनाते हैं। ठीक। अच्छा जी, ये पकौड़ों के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक अम्मा जो है वो कढ़ी को बॉइलिंग और थिकनेस के साथ साथ डील कर रही हैं। ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी, अब ये थिक हो चुकी है काफ़ी। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। ये ऑयल गर्म हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं कड़ी पत्ता, सूखा धनिया और राई दाना और ज़ीरा पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, ये हाफ हाफ टेबल स्पून्स हैं। इनको हमने डालना है आखिर में, बिगाड़ लगाएंगे कड़ी को। लेकिन ये ऑयल जो होगा ये हम वही यूज़ करेंगे जो पकौड़ों वाला होगा। छोटी लाल मिर्चें भी होती हैं तो वो आज हैं नहीं है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, अगर वो ऐड करना चाहें तो आप गोल लाल मिर्च छोटी वाली ऐड कर सकते हैं, वो जस्ट भगार के लिए होती है। अम्मा आप इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा दिखा दें जी। ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है और मिक्स हो चुका है सब कुछ। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे लो आंच पे, लो फ्लेम पे। कड़ी का जो बॉयल है वो दूध जैसा बॉयल नहीं होगा डेफिनेटली, बस ये इसकी बॉइलिंग फॉर्म है। ये चाह रही है बाहर की तरफ उंडेलना मगर हम इसको रोक रहे हैं। सब पकती रहेगी। ठीक, जी हम आप पकौड़े स्टार्ट करने लगी जी। ओके, ऑयल जो है वो अच्छे से हमने गरम कर लिया और अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। पकौड़े बनाना हम सबको ही माशाल्लाह से आते होते हैं तो हाथ से डालना चाहिए, आप हाथ से डाल लें। अच्छा, चम्मच से डालना चाहिए, चम्मच से डालना सही हो गया। चम्मच से डालने से ही होता है, थोड़ा आप एहतियात से डल जाते हैं और जलने का खतरा नहीं होता। आम पकौड़े जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इनकी कलरिंग आएगी और वैसे ही इनका प्रोसेस होगा। मिक्सचर में क्या डालना था वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। ये देखें जी कड़ी भागने की कोशिश में है। मैंने एक सेकंड के लिए फ्लेम ऑफ किया है ताकि ये डाउन चली जाए। अच्छा जी, ये देखें कड़ी जो है वो मज़ीद डेवलप्ड फॉर्म में आ गई है और ये पकना शुरू हो गई है। अब ये नियर टू अभी कुक्ड है, नियर टू भी रेडी है और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से कुक कर रहे हैं और साइड बाय साइड जो है हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इस थोड़ा सा क्रिस्पी इनको करते हैं क्योंकि जब इनको हम कड़ी में ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक नहीं होंगे तो फिर ये मेल्ट हो जाएंगे या बीच में मिक्स ना हो जाएं। तो इनकी फॉर्म इस तरह से रखनी होती है कि जब हमने इनको कुक करें इनको थोड़ा क्रिस्पी रखें ताकि कड़ी के अंदर शामिल होने के बाद भी ये थोड़ी सी अपना टेक्स्चर जो है वो बरकरार रखें। ये आप कड़ी की पकती हुई जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, ये अब इस तरह से लो फ्लेम पे पकती रहेगी जब तक हम साथ साथ पकौड़े बना रहे हैं। देखें जी कड़ी इज पकिंग एंड पकिंग एंड पकिंग। अब ये बिल्कुल सही से अपना काम कर रही है जो हम चाह रहे थे इसको, कि खुद ब खुद पकती रहे। और आप इसकी सारी स्टेजेस देख रहे हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं अपनी जब आप बनाएंगे रेसिपी से कि किस स्टेज पे। इस वक्त कड़ी को पकते हुए अम्मा कितना टाइम हो गया है? इस तरह पकता है 5 मिनटों में। अच्छा, तो जब हमने मिक्सचर डाला था तब से अब तक आधा घंटा
या 20 मिनट हो गए, वो डाल के पूरा घंटा लगेगा इसको। हाँ सही है, यानी कि मिक्सचर डालने के बाद जो हमने बेसन और लस्सी का मिक्सचर डाला था उसके बाद इसको फुली कुक होने में 1 घंटा लगेगा। पहले बॉइलिंग फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर इस तरह से ये पकती रहेगी। ये देखें जी, कढ़ी की मिकदार जो है वो कम हो चुकी है और क्योंकि ये थिक होना शुरू हो गई है पकते पकते, और अब ये इंशाल्लाह जल्दी जो है वो पक के तैयार हो जाएगी और पकौड़े भी हमारे बनते जा रहे हैं। अब हम फाइनल आपको स्टेप जो है वो बताएंगे कि पकौड़े डालने हैं और उसके बाद मिकदार कैसे लगाना है। अच्छा जी, ये कढ़ी देखिएगा, ये बिल्कुल अब रेडी होने वाली है कुछ देर में, और ये जो हमारे पकोड़े हैं ये भी इनका लास्ट पोर्शन जो है वो फ्राई हो रहा है। इसके बाद पकोड़े जो हैं वो कढ़ी के अंदर जाएंगे, डाल दिए जाएंगे और हम मिकदार लगा लेंगे। ये कढ़ी पे ऑयल जो है वो आ रहा है, ये इसका निशानी होती है कि ये कुक्ड होने वाली है, तैयार होने वाली है। अब मैंने आधा किलो डाला था इसमें ऑयल पकौड़ों के लिए, यानी 2 कप। हाँ 2 कप। अच्छा, अब जब पकौड़े बन गए हैं आधा मैंने निकाल लिया है और आधा रहने दिया, इसमें मैं अब बघार लगाऊंगी। ये तकरीबन अब कितना होगा ऑयल? 1 ही कप होगा। 1 कप, ठीक है ठीक है। ये पकौड़े रेडी तैयार हो गए हैं। सही। ये धनिया है, ये सूखा धनिया और जीरा है, ये गर्म मसाला है, ये सूखी मेथी है, ये वो है। अच्छा, वो सूखा धनिया जीरा पाउडर है? पाउडर है। ठीक। तो ये बघार के लिए कड़ी पत्ता है, तो खुश्क धनिया है, राई दाना है और सफ़ेद जीरा है। अच्छा अम्मा, ये जो आपने जीरा और गरम मसाला बताया ये कितना है? जीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ, ये चीज़? जी, ये चीज़ वो 1 टेबलस्पून है। अच्छा, और ये 1 टेबलस्पून मेथी है। अच्छा। और आधा टेबलस्पून यानी कि 1 टीस्पून गरम मसाला है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं कम ज्यादा। ठीक। नमक मिर्च भी इसी तरह अपनी मर्जी से कम कर ज्यादा कर सकते हैं। सही है। अब मैं पहले पकौड़े डालूंगी। ओके, आहिस्ता से करके पकौड़े डालें और आप कढ़ी की फॉर्म देख लें कि वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है कंसिस्टेंसी। देखें जी, अब इस तरह से हो गई है। अभी ये आपको मे भी थोड़ा थिन लग रही होगी, लेकिन जो ही पकौड़े डालेंगे और ये पानी चूसती है उसका, और पानी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा पकौड़ों में, तो कढ़ी की कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाएगी। ठंडी होकर फिर वो हो जाती है। हाँ जी, ठंडी होने के बाद भी अपना टेम्परेचर लूज करती है, गर्म करें तो वो नहीं रहती वैसी। जी, टेम्परेचर कम हो जाता है जब कढ़ी का, तो ये और थिक हो जाती है, तो इसलिए हमें शुरू में इसको जब ये बिल्कुल बनके तैयार होती है तो हमने इसको इतना गाढ़ा नहीं रखना है, पतला रखना है, जैसे ये आपको बबलिंग फॉर्म में नजर आ रही है। चूल्हा बंद करने लगी हूं। जी, अब चूल्हा बंद हो गया, अब इधर बघार लगाऊंगी। अच्छा, कढ़ी तैयार हो गई है। कढ़ी तैयार हो गई है। अब ये जो चीजें मैंने ये स्लो फ्लेम आपने रखना है, ये देखें लो फ्लेम। जी, और ऑयल को आधा कर लिया है। सही, आधा मैंने निकाल लिया। अब ये तकरीबन 1 कप ऑयल है। हाँ, अब इसमें ये तीनों चीजें डालूंगी। अच्छा, दो लाल मिर्चें होती तो वो भी डालती इसी तरह। सही, ये जल्दी से आपने डाल देना। अब इस तरह, अब ये जब कड़कड़ाने लग गया अब चूल्हा बंद कर देना। ठीक, ये मैंने चूल्हा बंद कर लिया। सही। और ये जो थे खुश्क मसाले ये सारे ये अब इसमें डाल देती हूँ और साथ ही बघार डाल दूंगी। ये मसालों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कढ़ी खट्टी अच्छी लगती है तो आप लस्सी को जो है वो कुछ दही ज्यादा खट्टा लें। हाँ जी, दही खट्टा लें या लस्सी को कुछ देर पड़ा रहने दें तो वो खट्टी हो जाती है। अगर नहीं अच्छी लगती आपको तो फिर आप फौरन से कुक कर सकते हैं इसको। वाह, माशाल्लाह, ये देखें, तड़का भी बघार भी लग गया, कढ़ी भी तैयार होगी। आपने ये वाला प्रोसेस जो है वो बहुत एहतियात से करना है, ऑयल नहीं गिर जाए, चिंटा नहीं पड़ जाए आपके ऊपर। आपने कभी ऐसी कढ़ी खाई नहीं होगी, बना के देखें। हाँ जी, और आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि आपको कैसी लगी। कुछ आप हमसे मिस हो गया हो अगर बताना, या आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो आपने हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये अब सब धनिया गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। माशाल्लाह से कढ़ी बहुत टेस्टी लग रही है, और टेस्टी डेफिनेटली होगी भी, क्योंकि अम्मी बहुत दफ़ा बना चुकी हैं, अम्मा की ये ऑथेंटिक रेसिपी है। चलें जी, अब अम्मा कढ़ी डिश आउट करेंगी और फिर हम लंच करेंगे। देखें जी,
माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लग रही है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और जब आप बनाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और आप कुछ पूछना चाहें, सीखना चाहें तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हर वो चीज़ जो आपने हमसे पूछी है वो हम आपको सिखा सकें। मिर्चें होती तो और भी ये खूबसूरत लगती। हाँ जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अम्मा की तरफ से भी आपके लिए अल्लाह हाफिज़।